दोस्तों, लोपाम प्रा किचन में आप लोग का स्वागत। आज हम बनाने जा रहे पनीर तंदूरी मसाला, ये एक ग्रेवी आइटम है। पहले हम तंदूरी बनाते हैं, इसलिए मैं लिया हूँ पनीर, प्याज, कैप्सिकम, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, तंदूरी मसाला, कश्मीरी रेड मिर्ची और दही 2 चम्मच, बेसन 1 चम्मच और नमक और तेल। पहले हम ग्रेवी बनाते हैं पनीर का। बेसन डाल देते हैं, उसके बाद रेड मिर्च पाउडर, तंदूरी मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, इसको एक पेस्ट बनाते हैं। इसमें पानी नहीं डालेंगे, सूखा बनाएंगे। दही में 2 चम्मच ले हूँ, पनीर में 250 ग्राम लिया हूँ, 1 बड़ा प्याज और 1 कैप्सिकम, थोड़ा तेल और नमक थोड़ा। इसको अभी मैरिनेट कर लेते हैं। अभी इसको मिला दिया हूँ। अभी इसको 20 मिनट ढक के फ्रीज में रख देते हैं, उसके बाद मसाले के लिए प्रिपेयर करते हैं। ग्रेवी के लिए चाहिए प्याज, 1 बड़ा प्याज, 2 टमाटर का प्यूरी, किचन किंग मसाला, अदरक रसन का पेस्ट, गरम मसाला, कसूरी मेथी, तेज़पत्ता, इलायची, दालचीनी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, नमक और तेल। अभी कढ़ाई गरम करते हैं। पहले हम ग्रेवी बनाते हैं, उसके बाद हम तंदूरी बनाते हैं। ग्रेवी का टाइम लगता है ना ज़्यादा, इसीलिए कढ़ाई में मैं तेल डाल दिया हूँ। उसमें जीरा थोड़ा डाल देते हैं, इसको गर्म होने देते हैं। अभी जीरा हो चुके, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता डाल देते हैं, इसको थोड़ा पकने देते हैं। अभी 1 बड़ा प्याज भी डाल देते हैं। इसको थोड़ा पकने देते हैं, प्याज को गोल्डन होने देते हैं, इसको भी ढक के पकने देते हैं। मैं प्याज को इस तरह बाल लेके आ गई। अभी इसमें तेल डाल दिया हूँ। अभी तंदूरी बनाते हैं पनीर को। एक एक पनीर डाल देते हैं, पनीर और प्याज। कैप्सिकम सब पनीर डाल दिया हूँ। अभी तंदूरी बनाएंगे। अभी आप हम फिर से ऑल्टरनेट कर लेते हैं, इसको प्याज इस तरफ लेके आ रहे थे, तंदूरी को इस तरफ डाल देते हैं। इस तरफ प्याज लेके आ गई, देख सकते हैं प्याज पक रहे हैं। और पनीर भी इस तरफ पक रहा है। रेड मिर्ची पाउडर डालें, बस थोड़ा कश्मीर रेड मिर्च कलर के लिए डाल देते हैं। और स्वाद के अनुसार नमक पनीर में हम डालें, बस थोड़ा नमक डाल देते हैं मसाला में। और गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। अभी हम उसको ढक के पकने देते हैं। अभी पनीर को देख लेते हैं, पनीर कैसा बना है। पनीर थोड़ा और भी बनेगा, पकेगा और मसाला देख लेते हैं। और भी टाइम लगेगा मसाला को पकने के लिए। देख सकते हैं कलर कैसा है ये मसाला।
अभी इस तरह पेड़ को पनीर भी कट रहा है, पनीर का और टाइम लगेगा। अभी मसाला को और होने देते हैं। देखो तंदूरी बन चुकी है, तो थोड़ा क्रिस्पी बन गई। हम मसाला को सरक रखे, या आप नान पराठा रोटी के साथ खा सकते हो, ग्रेवी आइटम है, बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी आप मसाला को इस तरह लेके आ जाते हैं, उसके बाद हम देते हैं देख सकते हो मसाला कैसे पक रहे हैं। मसाला में तेल निकल चुके है, मसाला पक चुकी है आराम से। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। अभी पानी बॉयल हो चुका है, अभी पनीर डाल देते हैं। इसको अभी 10 मिनट के लिए होने देते हैं। इसको ढक के अभी पकने देते हैं 10 मिनट के लिए। अभी पनीर में हम गरम मसाला, फिर कसूरी मेथी, देखो कैसा पनीर बन गई हमारा तंदूरी पनीर मसाला। अभी हमारा देख सकते हो हमारा पनीर बन चुके हैं। अब इसको हम ढक के ऐसे ही 5 मिनट रखने देते हैं, उसके बाद हम प्लेटिंग करते हैं। अभी हमारा तंदूरी पनीर मसाला बन चुकी है। आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।